हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं दोबारा से मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 बार्सिलोना बैश लीग का पीएके वर्सेस सीटीटी के बीच 1:19 बाद। तो बात करूं भाइयों, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एवी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। यूरोपियन टी10 का फर्स्ट मैच है आज के डे का, तो भाई ओपन दूंगा इसकी टीम, तो टेंशन मत लेना। प्रीवियस मैच भी ओपन दिया था, नाइट मैच भी ओपन दिए थे, तो इसलिए प्रॉब्लम लो मत। और ये आप लोगों के ही, आप लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं स्क्रीनशॉट्स और ये आपके सामने विनिंग्स है। तो चलते हैं आगे, ग्रुप का नेम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो आगे चल के बात करूँ अगर मैं इस मैच की, पीएके वर्सेस सीटीटी, इसमें आपको सबसे एक जो एक मेन काम क्या करना है कि इसमें आपको बॉलिंग और मिडल ऑर्डर बैटिंग पे बहुत जोर देना है। ओपनर्स चलेंगे, ऐसी बात नहीं कि ओपनर ना चले, लेकिन ओपनर हमें ऑलरेडी, हमें मतलब अगर आपको बता दूं, जो पहले ओपनर आते थे वो सारे अब मिडल ऑर्डर में चले गए हैं। तो इस कारण इस मैच में मिडल ऑर्डर बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग है, ओपनर्स इतने स्ट्रांग नहीं है टॉप ऑर्डर की बैटिंग। तो बात करूँ मैं विकेट कीपर की, तो एम इल्सान पहले ओपनर आता था एक प्लेयर के साथ जिसका नाम है एस अली। अगर एस अली तो इसको मैं 100% श्योरिटी के साथ लूंगा, क्योंकि एस अली को अगर आप छोड़ते हो तो आपको लॉस का बहुत भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेयर अली एक विकेट कीपर नहीं है, ये एक तरह ऑलराउंडर है। तो अभी मैंने प्लेयर लिया एम इल्सान, अभी प्रीवियस मैचेस में इसने फर्स्ट मैच में फिर से कल जबरदस्त खेल गया, ये 34 रन मारे, जो कि ये अपनी टीम से ओपनर आया था और आज भी ओपनर आएगा। एंड ये तो ओपनर है, इसको मत गिनना उस लिस्ट में कि ये ओपनर है तो नहीं चलेगा, ये तो बेस्ट प्लेयर है। ये बंदे को आउट करना ही बहुत मुश्किल है, जब ये आउट होता है ना तो मतलब एक बार लगता है कि हाँ भाई कुछ चांस है जीतने के, लेकिन जब ये होता है ना, अब मतलब जब ये बैटिंग पे होता है तो इनकी टीम के फुल चांस होते हैं जीतने के। तो बात करूं मैं बैट्समैन की, तो ए बट प्रीवियस मैच में कुछ इसका पता नहीं था कि ये ओपनर आएगा, लेकिन अब पता चल गया कि ये टॉप ऑर्डर की बैटिंग इसको मिलने लग गई है। एक्चुअली क्या किया, एक पहले जो ओपनर आता था वो था एस भट्टी को मिडल ऑर्डर में डाल के और आर उल्ला को मिडल ऑर्डर बैटिंग में डाल के ए बट को ओपनर भेज दिया। तो ए बट तो अब भाई सबकी टीम में रहने वाले, क्योंकि सेफ प्लेयर सेफ टीम। और आगे से बात करूं जे अफजल तो हर बार, मतलब जो भी पिछली भी लीग जो महीने पहले 5 दिन पहले जो भी मैच हुए होंगे, अफजल अगर खेला होगा तो सबके टीम में रहता है। एक नेचुरल गुड प्लेयर है, मतलब मैं ना अच्छा बोलूँगा ना बुरा, एवरेज प्लेयर है। आगे से बात करूँ, ये है एक ऑलराउंडर आदिल सरवार, फॉर्म में आ चुका है। पिछले सीरीज में बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, जो कि 5 से 6 दिन पहले हुई थी बार्सिलोना लीग, इसका नाम चेंज कर दिया बार्सिलोना बैश और पूरा स्टेटस बदल दिया। तो उस कारण मेरे को ये लग रहा है कि ये प्लेयर जो आदिल सरवारी एक ऑलराउंडर है, एंड चलने के 90% चांस है आज के मैच में इसके। आगे चलते हैं, बात करूँ ऑलराउंडर की, तो यहाँ सुनूंगा कामरान को। कामरान ने प्रीवियस मैच नहीं खेला, पता नहीं क्यों नहीं खिलवा रहे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को। अगर ये आता है तो ये अपनी टीम से वन डाउन आता था, अगर ये खेलता है तो, अभी पक्का नहीं है। अगर ये नहीं खेला तो इसकी जगह कोई और प्लेयर चुनेंगे, लेकिन अभी के लिए इसी के साथ जाओ। आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, इसका नाम है मोहम्मद शिराज की बॉलिंग लाजवाब है यार, मतलब ज़बरदस्त बॉलिंग है, इसकी बॉलिंग के आगे टिकना बहुत मुश्किल है। और चलते हैं आगे, तो बात करूं मैं एक और प्लेयर की, इसका नाम है एस अली। शुरू में तो पहले बहुत जल्दी बैटिंग पे आता था, लेकिन अब इसको बॉलिंग सेक्शन में डाल दिया गया है, और प्लेयर बेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है, वैसे ऑलराउंडर सेक्शन में है। तो बात करूँ एस अहमद को, यार देखो ये बंदा अनएक्सपेक्टेड है, अगर आप इस पर भरोसा करोगे तो यार लॉस भी जा सकता है, क्योंकि मैंने एस अहमद में जितनी बार भरोसा किया ना, ये उस काम नहीं आया, जब मैं भरोसा नहीं करता ये उस दिन चलता है। तो इसलिए ये प्लेयर है अनएक्सपेक्टेड, इसमें हम सोच नहीं सकते, लेकिन टीम में ले सकते हैं। जो प्लेयर अनएक्सपेक्टेड है उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो बात करूँ मैं बॉलर की, तो ए मोहम्मद, आतिफ मोहम्मद और अजीज़ मोहम्मद अलग अलग है दोस्तों। काफ़ी लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे, इसको कैप्टन रख रहे थे, इसको वाइस कैप्टन, वैसे अच्छी पिक है वाइस कैप्टन के लिए, ये बहुत बड़ा विकेट टेकर है अपनी टीम का, लेकिन ये इसको कैप्टन मत रखो, कैप्टन मैं तो नहीं ट्राई करने वाला। और आगे से बात करूँ एच गोंडल के चलने के भी आज बहुत चांस है। ए मोहम्मद और एच गोंडल की जोड़ी जबरदस्त है, हर मैच में 1-2 विकेट अपने अंडर पास जरूर करते हैं। और एफ अजीम तो आप किसको पता ही है, अभी इसने सिर्फ 7 मैचेस खेले हैं, वो शो नहीं कर रहा। 7 मैच में इस बंदे ने कम से कम, मैं ज़्यादा ना बोलूँ ना, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, 11-12 विकेट ले चुका है 7 मैच में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब यहाँ से एक प्लेयर हो रहा है, इसका नाम है अजीज़ मोहम्मद, अगर खेला तो इसको चुपचाप अपनी टीम में कैप्टन रख लेना, बाद में खेल देखना क्या होता है। बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन लेगा मेरा आदिल सरवार एंड वाइस कैप्टन आतिफ मोहम्मद। मिलता हूँ भाइयों अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।